खरगोन डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने जब से सेगांव में प्रभारी तहसीलदार का चार्ज लिया है, अवैध खनन करने वालों की नींद हराम हो गई है। खरगोन डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने जब से सेगांव में प्रभारी तहसीलदार का चार्ज लिया है, अवैध खनन करने वालों की नींद हराम हो गई है। इसी कड़ी में विकास खंड की ग्राम पंचायत जलगोन नदी के अंदर जेसीबी मशीन के द्वारा दो ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। डिप्टी कलेक्टर राहुल चौहान ने राजस्व टीम के साथ पहुंचकर जेसीबी व एक ट्रैक्टर को जब्त किया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक सोहन डालके भी मौजूद थे। नदी में वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा था जेसीबी के माध्यम से, तो उसको हमने जब्त कर लिया है। उसमें ट्रैक्टर ट्राली भी है, प्रकरण बना लिया है उसका और एसडीएम साहब को इसको भेज दिया है प्रकरण को, और ट्रैक्टर और जेसीबी को हमने थाने में सुपरद कर दिया है। अब इसमें आगे कार्रवाई क्या होगी सर? आगे कार्रवाई जो भी एसडीएम साहब उसमें खनिज विभाग के माध्यम से करेंगे, जो भी अवैध उत्खनन पर जो भी फाइन होता है उसको फाइन करेंगे।